एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो है मेरे चैनल का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि दी मीशो से हाई वेस्टेड जीन्स प्लस ट्राउजर शेयर करो, जंपसूट शेयर करो। कि अगर ट्राउजर्स एंड हाई वेस्टेड जीन्स मीशो पे सर्च करो तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा सर्च करना, क्योंकि मीशो पे अवेलेबल बहुत सारी है, लेकिन वर्थ इट भी होनी चाहिए प्लस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जीन्स एक ऐसी चीज़ है कि एक बार ही हम लेते हैं और उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ में लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कुछ ऐसे जीन्स आपके साथ शेयर करूँ जो कि आज आप लो और दो तीन बार पहनो और उसके बाद आपको लगे कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर रहा, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा हॉल लेके आई हूँ जो कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ लेटेस्ट है। मोस्टली जो जीन्स है, ट्राउजर्स है, अंडर 300 है, एंड हॉल ही बिल्कुल अफोर्डेबल है। अंडर 400 या 500 आपको पूरा हॉल देखने को मिल जाएगा, और मिक्स हॉल है तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और जो वेस्टर्न वियर हॉल के लिए कॉमेंट्स कर रहे थे उनके लिए ये वाला हॉल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, जिन्होंने मीशो डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लीजिए मेरे दिए हुए लिंक से। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैं, वहाँ से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट जीन्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है हाई वेस्टेड जीन्स। कलर ऑप्शन में भी इसमें 1 और 2 अवेलेबल है, वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेना। एंड लुक एट दिस, कुछ इस तरीके की ये फ्लेयर जीन्स है। जो प्लाजो जीन्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, एंड यहाँ पे आपको ना नीचे से फ्लेयर प्लाजो की तरह मिलेगी, प्लस यहाँ पे है ना पर्ल की डिटेलिंग की हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लगेगी पहनने के बाद। एंड यहाँ पे आपको नोट पैटर्न देखने को मिल जाएगा वेस्ट पे। यहाँ पे पॉकेट्स भी दी हुई है, बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं जिससे आप कुछ भी इजीली कैरी कर सकते हो। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका जो फैब्रिक है ना डेनिम फैब्रिक ही है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है। सबसे अच्छी बात है इस तरीके की जीन्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में है। ये आपको 340 के आसपास में भी मिल जाएगी। एग्जैक्ट प्राइस आप स्क्रीन पे देख लेना। एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है पहनने के बाद, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और सबसे अच्छी बात है कंफर्टेबल है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छी लगेगी ये वाली जीन्स। तो ट्राई करना, बहुत अमेजिंग लुक आएगा एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो ये है जो फर्स्ट जीन्स मैंने पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक की है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश ट्राउज़र है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है। जब मैंने इसे मीशो पे देखा यार प्राइस इतनी कम है, और वेबसाइट पे जब आप चेकआउट करोगे एक तो आपको इतनी हाई प्राइस में देखने को मिलेगा, यहाँ पे यार बहुत कम प्राइस में है। मे बी शायद 250 के अराउंड ही इसकी प्राइस है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड कलर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इसमें शायद 1 और 2 कलर अवेलेबल है। एक तो इसका फैब्रिक है ना वो काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट फैब्रिक है एंड काफ़ी स्ट्रेची है, तो फुल लुक आपको पूरा साइड में क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने ट्राई ऑन नहीं किया है, तो फिटिंग वगैरह आप एक बार साइड में देख लेना। यहाँ पे भी आपको इसमें पॉकेट्स देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। अरे आपको यहाँ पे जो है स्टिकर्स जो है इसमें अटैच किए हुए हैं, पॉकेट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। यहाँ पे भी आपको बैक में भी पॉकेट्स देखने को मिल जाती है, बड़ी बड़ी पॉकेट्स काफ़ी सारी है, तो आप इजीली कुछ भी कैरी कर सकते हैं। प्लस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी एंड स्टाइलिश लग रही थी मुझे ये, एंड लुकिंग वाइज बहुत परफेक्ट है। कम्फर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है इसका, और साइज है सब में मेरा 32। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो, सभी के कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार जरूर से ट्राई करना, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब जो नेक्स्ट ट्राउजर मैंने पिक किया है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होने के साथ साथ क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड लुक एट दिस, इसमें भी आपको मे बी 1 और 2 कलर अवेलेबल है मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मुझे लाइट वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का टेडी बियर है जो अटैच देखने को मिल जाएगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड यार बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। इसे किसी भी क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हो, एंड समर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट है। कंफर्ट लेवल बहुत सही है इसका, एंड बैक में भी आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाती है, तो इजीली कुछ भी रख सकते हो, एंड स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। और इसका जो फैब्रिक है ना वो ही सेम डेनिम फैब्रिक है, एंड इसकी जो प्राइस है वो भी मे बी शायद 250 के अराउंड है, तो उस अकॉर्डिंग यार बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्लस वर्थ इट है, एंड फैब्रिक क्वालिटी सुपर्ब है। आप एक बार मेरे कहने से ट्राई करना इन जीन्स को, जितने भी आज दिखा रही हूँ आपको क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं आएगा, प्लस लॉन्ग टाइम तक चलेगी, तो उस मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक की है। और आगे है ना आपको बहुत सारे वेस्टर्न हॉल भी देखने को मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे, एंड मैंने हाई वेस्टेड जीन्स हो गई या फिर बहुत सारे पैटर्न हो गए उन सभी को ऑर्डर किया हुआ है, तो जैसे जैसे आएंगे आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मुझे ये 3 जीन्स मिली थी। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत
बहुत ही प्यारा सा एक कंफर्टेबल जंपसूट में भी इसमें कलर ऑप्शन मीशो पे 4 और 5 अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन मैंने जो टील ब्लू कलर है ना, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, स्टाइलिश लग रहा था, तो मैंने ये वाला पिक किया है। इसमें आपको स्ट्रैपी शोल्डर देखने को मिल जाएंगे, प्लस जो ब्रेस्ट वाला जो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपको इलास्टिक वाला देखने को मिलेगा, जिससे क्या है लुकिंग काफी अच्छी आएगी, प्लस जो फिटिंग है वो भी काफी अच्छी आती है। और यहाँ पे आपको फ्रंट में है ना बटन्स की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, रेयन फैब्रिक में है जिसके कारण बहुत कंफर्टेबल है। एंड इसमें मेरा मीडियम साइज है, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख लेना, आप जो भी आपको लेना है ले सकते हो। कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट ड्रेस है, बेस्ट आउटफिट है, तो डेफिनेटली पिक करना, बहुत स्टाइलिश लग रहा है ये वाला जंपसूट भी मुझे। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया ना वो है एक क्रॉप टॉप, एंड कुछ इस तरीके की आपको ये स्टाइलिश सी क्रॉप टॉप देखने को मिलेगी। एंड इसमें भी आपको कलर ऑप्शन काफी सारे मीशो पे दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखना। मुझे मस्टर्ड वाला कलर काफी अच्छा लग रहा था, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है इस वाले टॉप का, कुछ इस तरीके का पैटर्न है। जो इसकी नेक है ना वो फुल नेक आपको देखने को मिल जाएगी, बैक में जिप देखने को मिल जाएगी। एंड जो फैब्रिक है इस वाले का कॉटन रेयन मिक्स फैब्रिक है, एंड कुछ इस तरीके की स्लीव्स है, इसमें आपको थ्री लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ स्टाइलिश सी क्रॉप टॉप है, एंड पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है लेकिन पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड किसी भी हाई वेस्टेड जीन्स के ऊपर या फिर फ्लेयर जीन्स के ऊपर आप इसे स्टाइल कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। साइज है मेरा मीडियम, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रैप इसमें अटैच भी हुई है जिसे आप नोट बना सकते हो। तो कुछ अलग सी क्रॉप टॉप लगी मुझे, प्लस स्टाइलिश लगी, तो मैंने पिक कर ली। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ना बहुत ही खूबसूरत सी एक वन पीस ड्रेस है, एंड कुछ इस तरीके की आपको वाली ड्रेस देखने को मिल जाएगी। कलर ऑप्शन डिजाइन इसमें आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। वन पीस है एंड रेयन फैब्रिक है, स्ट्रैपी शोल्डर है इसमें भी, एंड लुक एट दिस। यहाँ पे आपको ना इलास्टिक वाला ही सेम पैटर्न देखने को मिल जाएगा जिससे ना फिटिंग काफी अच्छी आएगी। प्रिंट आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है, फुल लुक आप साइड में देखना, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है समर्स के अकॉर्डिंग, बहुत कूल लगता है। और आप कहीं पे भी पहनते हो ना, घूमने जा रहे हो, वैकेशन पे जा रहे हो, उस अकॉर्डिंग एक अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छी ड्रेस है, एंड लेंथ भी मुझे काफी अच्छी लगी, तो उस अकॉर्डिंग अच्छी है। इसका फैब्रिक क्वालिटी काफी अच्छी है, साइज है मेरा मीडियम। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया जो कि मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगी, प्लस समर्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट आउटफिट है। तो नेक्स्ट और लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ना ये वाली टॉप है। ये वाली टॉप है ना आपको पॉन्चो स्टाइल टॉप देखने को मिलेगी, एंड इसमें भी कलर ऑप्शन में भी 2 और 3 अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपको लेना हो। मुझे समर्स के अकॉर्डिंग है ना व्हाइट कलर काफी अच्छा लग रहा था, प्लस ये जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है ना ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है नेक पे, एंड लुकिंग वाइज ना बहुत ही परफेक्ट टॉप है, प्लस ना स्टाइलिश है, तो बहुत अमेजिंग लगेगी पहनने के बाद। फैब्रिक है इसका रेयन, इसमें भी जो मैंने साइज पिक किया है वो है इसका मीडियम, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना साइड चार्ट। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वर्थ इट है प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड लुकिंग वाइज बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है पहनने के बाद, तो यार मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, एंड मुझे कुछ न्यू पैटर्न भी लग रहा था तो उस अकॉर्डिंग मैंने पिक कर लिया। तो ये है जो लास्ट टॉप मैंने पिक किया मीशो से। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। एंड इनमें से आज सबसे अच्छी जीन्स कौन सी लगी कॉमेंट करके बताना, मैं उसी अकॉर्डिंग आपके साथ जीन्स वगैरह और भी लेके आऊंगी, तो प्लीज कॉमेंट करो। एंड और कुछ देखना चाहते हो वेस्टर्न वियर में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।